नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्याज पत्ता का पकौड़ी बनाएंगे। इसके लिए देखिए, हम प्याज पत्ता लिए हैं, उसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं, इसका छिलका को हम हटा लिए हैं और इसे हम महीन महीन काटेंगे दोस्तों। इसके साथ हम मटर भी डालेंगे, मटर को भी हम छील कर धो लिए हैं। और पकौड़ी में डालने के लिए देखिए, 4 मिर्च लिए हैं, 10 कलियाँ लहसुन लिए हैं, 1/2 इंच अदरक लिए हैं। सभी को हम मिर्च को हम काट लेंगे और ये अदरक और लहसुन को हम खलबट्टे में कूट लेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज को हम महीन महीन काट लिए हैं। अब इसमें हम देखिए मटर को हम डाल देंगे। देखिए लहसुन और अदरक को जो कूट कर रखे थे उसे भी हम डाल दे रहे हैं और हरी मिर्च को भी हम डाल दे रहे हैं। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और नमक, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम चावल आटा दे रहे हैं। 2 से 3 चम्मच चावल आटा दिए और बेसन भी डालेंगे हम। चावल आटा डालने से पकौड़ी कुरकुरा बनेगा। इसमें बेसन आटा डाल रहे हैं, बेसन डाल रहे हैं दोस्तों। और इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम मिलाएंगे इस तरह से। चलिए दोस्तों, इसे हम मिला ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, पकौड़ी बनाने के लिए हम घोल बना लिए हैं। देखिए कढ़ाही गरम हो रहा है, कढ़ाही में हम तेल डाल रहे हैं। तेल को गरम होने देंगे। देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया है। हम पकौड़ी के साथ खाने के लिए 3-4 हरी मिर्च को हम तल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, मिर्च पक गया, इसे हम देखिए नमक में डाल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, पकौड़ी डालने के पहले तेल पूरा गरम होना चाहिए। पूरा तेल गरम हो गया है। अब गैस का फ्लेम को हम लो कर दिए हैं और इसे हम एक एक करके देखिए पकौड़ी को डाल लेते जाएंगे। जैसा जिस जैसा शेप जैसा भी आप बनाना चाहते हो वैसा आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी बनाइए। थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर इसको बनाइएगा तो हाथ में सटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, डाल दिए हैं और इसे हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए इसे हम पलटी कर ले रहे हैं। देखिए इधर भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पकौड़े को भी हम बना लेंगे। इसे भी हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन पकाएंगे। देखिए दोस्तों, ये भी दोनों तरफ से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे हम निकाल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, सारे पकौड़ी हम छान लिए और इसे हम प्लेटिंग कर लिए हैं। देखिए सॉस ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली और हरी मिर्च के साथ। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से प्याज और मटर का पकौड़ी बनाइए और खाइए।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।